भव्य और दिव्य है उज्जैन का महाकाल लोक, जिसे हम महाकालेश्वर कॉरिडोर भी कहते हैं। इसे पूरा भ्रमण करने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मात्र 10 मिनट में पूरे महाकाल लोक का दर्शन करवाऊंगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें हम श्री महाकालेश्वर भक्त निवास, जो कि निवास स्थल है जहाँ पे आप फ्री में रह सकते हैं, वहाँ के बारे में भी डिटेल में जानकारी देंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको मैं अच्छे से सारी चीज़ें बता पाऊँगी। और 10 मिनट्स आप महाकाल कॉरिडोर के बारे में जानने के लिए और दर्शन करने के लिए दे ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप सभी हमारे साथ कहिए ओम नमः शिवाय। और लास्ट में जब हम कॉरिडोर का पूरा दर्शन कर लेंगे तो फिर हम कहेंगे हर हर महादेव, ठीक है? तो चलिए, मैं हूँ श्वेता सिंह, एवरीथिंग होममेड पे आप सभी का स्वागत है और हम स्टार्ट करते हैं श्री महाकाल लोक का दर्शन, प्रारंभ करते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी मैं बताती जाऊंगी, आप सुनते जाइएगा। महाकाल के पथ पर सबसे पहले आपको नजर आएगा महाकाल का सबसे प्रिय गढ़ नंदी, जिसे एक द्वार का स्वरूप देकर विशालकाय रूप में शिखर पर 4 नंदी प्रतिमा को विराजमान कर द्वारा बनाया गया है, जिसके ठीक सामने शिवपुत्र गणेश और विपरीत दिशा में त्रिशूल और रुद्राक्ष की मूर्ति नजर आएगी। इस भव्य नंदी द्वार में 10 दिक्पाल और 8 अलग अलग पिलर सुंदर कलाकृतियों के साथ नजर आएंगे, जिसे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर स्टेन्ड स्टोन से राजस्थान के कारीगरों ने तरास कर तैयार किया है। नंदी द्वार के प्रवेश के बाद ही आपको कॉरिडोर में कमल नजर आएगा, जिसके बीचों बीच ध्यान मुद्रा में दिखाई देंगे भगवान शिव, और 4 अलग अलग दिशाओं में 4 सिंह की मूर्ति भी लगाई गई है। और इस कमल कुंड की खूबसूरती रात की रोशनी में देखनी बनती है। दरअसल माना जाता है कि महाकाल वन के वक्त इसी स्थान पर कमल खिला करते थे, यही वजह है कि इस स्थान पर कमल को तैयार कर शिव को ध्यान मुद्रा के मूर्त रूप में दिखाया गया है। ये कॉरिडोर खूबसूरत तो है ही, साथ ही पौराणिक दृष्टिकोण से लोगों का ज्ञान वर्धन भी करता है। कमल कुंड के ठीक सामने सप्तऋषि मंडल बना है, जिसके ठीक बीच में इस कॉरिडोर का सबसे ऊंचा 54 फीट शिव स्तंभ नजर आएगा। सबसे ऊपर 5 मुखी शिव, फिर नीचे नाट्य ध्यान मुद्रा में शिव और ठीक उनके नीचे शिव के 4 गहने डमरू, अर्धचंद्र, सर्प, त्रिशूल नजर आएंगे और उनके बारे में नीचे श्लोक भी लिखे गए हैं। पुराणों में उल्लेख है कि सप्तऋषि भगवान शिव के पहले शिष्य थे, जिन्हें महाकाल ने दीक्षा दी थी। यही वजह है सप्तऋषि की प्रतिमा के नीचे उक्त ऋषि की गाथा भी म्यूरल के जरिए दर्शाई गई है। माना जाता है कि महाकाल से सप्तऋषि के दीक्षा लेने के दिन को ही गुरु पूर्णिमा माना गया। महाकाल कॉरिडोर में धर्म और तकनीक का अनूठा संगम भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जितनी भी मूर्तियां हैं उन सब की अपनी एक कहानी है और इन कहानियों को जानने के लिए आपको सिर्फ इन मूर्तियों के सामने लगे बार कोड को स्कैन करना होगा। स्कैन करते ही मूर्तियों से जुड़ी कहानियां ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको मोबाइल में आएगी, है ना? ये बहुत ही अनूठी जानकारी, आप ट्राई जरूर करिएगा अगर आप महाकाल कॉरिडोर के दर्शन के लिए जाने वाले हैं तो। इस पूरे महाकाल कॉरिडोर में अलग अलग महाकाल वाटिका तैयार की गई है, उनमें से एक यह है कि त्रिपुरा सुर का वध करते हुए त्रिदेव की भव्य मूर्तियां दिखाई गई हैं। शिव पुराण में त्रिपुरा सुर के वध का उल्लेख है। इस मूर्ति में सारथी के रूप में ब्रह्मा, शिव के बाण में विष्णु है, एक रथ के पहिए सूर्य और चंद्र है, 4 श्वेत अश्व इसे खींच रहे हैं जो कि 4 वेद हैं। ये वो दृश्य है जिसमें सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ त्रिपुरासुर के युद्ध कर रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर के प्रथम चरण में करीब 351 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस कॉरिडोर को शिव पुराण की कथाओं के आधार पर तैयार किया गया है। कॉरिडोर को 900 मीटर लंबी और 35 फीट ऊंची दीवारों से कवर किया गया है। इसे खूबसूरती देने के लिए 900 मीटर लंबी म्यूरल वॉल का स्वरूप देकर 54 अलग अलग शिव गाथाओं को म्यूरल के माध्यम से उकेरा गया है। पूरे महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बेहद ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। जब आप महाकाल कॉरिडोर में होते हुए भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपकी नजरें प्रतिमाओं पर जाकर टिक जाएंगी, जो कि भगवान शिव के जीवन से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बताती हैं। खास बात यह है कि हर प्रतिमा के नीचे उससे जुड़े इतिहास को लिखा भी गया है, ताकि लोग इन प्रतिमाओं के जरिए भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को पढ़ सकें।
महाकाल कॉरिडोर के बीचों बीच बनी कैलाश पर्वत को उठाया है रावण की करीब 15 फीट ऊंची प्रतिमा सबका ध्यान खींचती है। इस प्रतिमा के जरिए दिखाया गया है कि भले ही रावण अष्टभुजाओं के साथ सर्वशक्तिशाली था, लेकिन किस तरह भगवान शिव ने महेश अपने अंगूठे के बल से उसे रसताल में पहुंचा दिया था। इसके थोड़ी ही दूर जाने पर भगवान शिव के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग समुद्र मंथन को दिखाया गया है। समुद्र मंथन के दौरान जिस तरह से देवताओं और असुरों में अमृत को लेकर के खींचतान हो रही थी, इस प्रतिमा के जरिए उसे दिखाया गया है। समुद्र मंथन के दौरान ही भगवान शिव ने विष का प्याला पिया था और वह नीलकंठ कहलाए थे। शिव से जुड़े इसी प्रसंग को इन बेहद खूबसूरत प्रतिमाओं के साथ महाकाल कॉरिडोर पर प्रदर्शित किया गया है। पूरे महाकाल कॉरिडोर में सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं 108 स्तंभ जो नदी द्वार से लेकर के महाकाल मंदिर द्वार तक बनाए गए हैं, जिन पर 108 कलाकृतियां बनाई गई हैं। यह भगवान शिव के आनंद तांडव की कलाकृतियां हैं, जिन्हें राजस्थान और उड़ीसा के कलाकारों ने बनाया है। महाकाल कॉरिडोर में जहां एक तरफ पत्थरों का बेहतरीन इस्तेमाल है, तो वहीं दूसरी ओर यहां 40,000 से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाकर आने वाले समय में एक ग्रीन कॉरिडोर के रूप में भी विकसित किए जाने की योजना है। खास बात यह है कि यहां लगाए गए पेड़ पौधे में सिर्फ उन्हीं प्रजातियों को चुना गया है जो भगवान शिव को बेहद प्रिय हैं, या फिर उनकी पूजा में जिनकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है। महाकाल कॉरिडोर में जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उनमें प्रमुख रूप से कैलाशपति, समी, रुद्राक्ष, सप्तपर्णी, गूलर, वटवृक्ष और पीपल शामिल है। महाकाल कॉरिडोर में जहां एक तरफ लोग धार्मिक रूप से जुड़े सकेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति के करीब रहें, इसका भी यहां पूरा ध्यान रखा गया है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह महाकाल कॉरिडोर के पास स्थित रुद्र सागर को विकसित कर यह एक बेहद भव्य रुद्र सागर लेक फ्रंट तैयार किया गया है, जहां पर बैठकर लोग रुद्र सागर के वैभव को निहार सकेंगे और यहां फुर्सत के कुछ पल बिता सकेंगे। आपको बता दें कि रुद्र सागर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। बताया जाता है कि प्राचीन उज्जैनी में सप्त सागर हुआ करते थे, जिनमें से एक है रुद्र सागर। समय के साथ रखरखाव के अभाव में सप्त सागरों में से ज्यादातर या तो सूख गए या गायब हो गए, लेकिन रुद्र सागर का महत्व इसलिए बड़ा है क्योंकि यह एक महाकाल मंदिर से सटा हुआ है। कहा जाता है कि इसी रुद्र सागर का जल धरती से होता हुआ महाकाल मंदिर के भीतर बने कोटि तीर्थ कुंड में जाकर के मिलता है। इसी कोटि तीर्थ कुंड के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाता है। दरअसल महाकाल दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और इसीलिए यहाँ पर साल में 12 महीने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। भगवान शिव को प्रिय महीना सावन है, ऐसे में सावन के पूरे महीने मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हो, नाग पंचमी हो या 12 साल में आने वाली सेहत महाकुंभ का अवसर हो, महाकाल मंदिर श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। ऐसे में यहाँ क्राउड मैनेजमेंट स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होती है। महाकाल कॉरिडोर के दर्शन के लिए अगर आप आना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रात के समय में यहाँ पर आइए। श्री महाकाल लोक यानी कि इसी कॉरिडोर में आपको श्री महाकाल भक्त निवास, जो कि मुफ्त में सुविधा देता है आपको रहने का, वहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है रूम्स की, तो आप वहाँ पे फ्री में रह सकते हो। बट वहाँ पे हमेशा टिकट्स फुल रहती हैं। अगर आप ऑफलाइन यानी कि वहाँ पे जा करके प्रत्यक्ष रूप से चाहेंगे कि आपको बुकिंग मिल जाए, तो वो नहीं मिल पाती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे बुकिंग करनी है ताकि आपको श्री महाकालेश्वर भक्त निवास में जगह मिल सके। तो कैसे बुकिंग करनी है, इसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए। ये महाकाल कॉरिडोर से ही सटे हुए रास्ते से आप महाकाल मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से होते हुए भी दर्शन होती है, और या फिर आप बड़े गणेश जी जो है वहां से भी जाकर के महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हो। तो वहां पे आपको ये दो ऑप्शंस मिल जाते हैं महाकाल मंदिर में प्रवेश के लिए। बाकी का मैंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का कैसे दर्शन करना है, कैसे वीआईपी दर्शन करना है, कैसे आपको एकदम नंदी हॉल में जगह मिल जाएगी, भस्म आरती कैसे अटेंड करना है, ये सारी डिटेल में जानकारी का मैंने एक सेपरेट व्लॉग बनाया है। उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें दर्शन से रिलेटेड बताई हैं कि आप फ्री में वीआईपी दर्शन कैसे कर सकते हो, आप नंदी हॉल में कैसे बैठ करके भस्म आरती देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें और महादेव को जल, फूल, प्रसाद ये सब चढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ले
जानी अलाउ है और क्या क्या चीजें नहीं ले जा सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई है। तो उसका लिंक जो है आई बटन में दे दूंगी और फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिएगा। ओमकालेश्वर दर्शन का भी मैंने वीडियो बनाया है फुल डिटेल में, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, ये सारी चीजें, तो उसका भी वीडियो लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर आई बटन में। तो चलिए, आपको कैसा लगा महाकाल कॉरिडोर का संपूर्ण दर्शन? मैंने कोशिश की एक ही वीडियो में सारी चीजें दिखाने की। तो धन्यवाद, हर हर महादेव।